हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले लॉजिक गेट पढ़ने से पहले जान लेते हैं ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो ट्रुथ टेबल वो होती है जो हमें आउटपुट पे दिखाती है इनपुट के कॉम्बिनेशंस को मिलाकर हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे इसे मान लेते हैं कि ए और बी एक एंड गेट का एक सिंबल है। ए और बी इसके दो इनपुट्स हैं, तो इसमें हमारा दो इनपुट्स हैं और एक ही आउटपुट है। तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मान लीजिए हमने ए पर इस पर इनपुट दी, इनपुट कुछ भी हो सकती है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट या कुछ भी। तो हमने ए पर इनपुट दी और बी पर इनपुट नहीं दी, तो हमारे आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। सेकंड केस में हमने क्या किया, बी पर इनपुट दी, ए पर इनपुट नहीं दी, तब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि हमने दोनों पर इनपुट दी तो हमें क्या मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि हमने दोनों में से किसी पर भी इनपुट नहीं दी। तो इसके कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह से बनते हैं और इसके हम आउटपुट्स चेक करते हैं कि क्या आने वाले हैं। तो ये होता है हमारा ट्रुथ टेबल। जैसे कि मैंने इसमें बनाई है 0 0 0 0 का मतलब क्या है कि दोनों ही ज़ीरो, मतलब दोनों ही ऑफ कंडीशन में है, दोनों को ही हमने कुछ भी इनपुट नहीं दिया है। और सेकंड है हमारा 0 और 1, मतलब ए पे हमने कुछ भी नहीं दिया और बी पे हमने इनपुट दिया है। और थर्ड कंडीशन बनाई है हमने जिसमें हमने ए को 1 रखा है और बी को 0, मतलब ए पर हमने इनपुट दी है और बी पे हमने इनपुट नहीं दिया। और लास्ट केस में हमने दोनों पर ही इनपुट दिया है। तो कॉम्बिनेशंस कुछ भी हो सकते हैं। एक और चीज़ आती है इसमें, बूलियन अलजेब्रा, बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन इक्वेशन। तो ये हर लॉजिक गेट की एक डिफरेंट इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन होती है जो सिर्फ लॉजिक गेट्स के लिए ही बनाई गई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंड गेट्स। तो एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, इसमें दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। इसकी बूलियन इक्वेशन है ए बी, ए बी यानी ए मल्टीप्लाई बी। इसमें क्या होने वाला है कि जितने भी हम इनपुट्स देंगे उन दोनों को ही मल्टीपल करके, यानी अगर हमने इसमें 0 और 0 दिया तो उसका मल्टीपल ही हमें आउटपुट में मिलेगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल यहाँ बनी हुई है। तो देखते हैं क्या बनती है इसकी ट्रुथ टेबल। तो हमने ए मल्टीप्लाई बी हमें पता है इसकी इनपुट्स आउटपुट है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो पहला केस है हमारा 0 0, तो 0 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0, तो यहाँ पे हमारी आउटपुट में क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। अगला केस है 0 मल्टीप्लाई 1, मतलब 0 मिलेगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलेगा। 1 0, तो भी हमें 0 ही मिलेगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट हाई रहेगी। मतलब अगर इसका मतलब क्या है कि जब तक हम इसमें दोनों पर इनपुट हाई नहीं कर देते, यानी दोनों पर ही हम इसमें जो भी हम इनपुट दे रहे हैं दोनों पर नहीं देंगे, तब तक हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलने वाला, तब तक हमें 0 ही मिलेगी आउटपुट। आगे चलते हैं, आगे मैं इसको बताऊंगी इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। यानी एंड गेट का इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से बनता है। इसमें हमने दो स्विचेस लगाए हैं और हमारा एक बल्ब है। ए और बी स्विचेस हैं। स्विचेस जो है वो हमारे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो बल्ब है हमारा आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हमारी ट्रुथ टेबल हमें पता है क्या थी, 0 0 0 1 1 0 1 1। जब हमने और इस पे सारे आउटपुट्स क्या आ रहे थे, 0 0 0, और जब हमने 1 1 दिया था दोनों पे आउटपुट हाई दी थी तो हमारी 1 आ रही। तो चेक करते हैं क्या ये सही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से इसे 5 वोल्ट, मतलब जो भी है हमने 5 वोल्ट 10 वोल्ट हमने इसको दी। स्विच को हमने दोनों को ओपन रखा हुआ है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है ओपन का मीन्स 0, अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल के हिसाब से चल रहे हैं हम। और क्लोज मीन्स अगर हम इसे यहाँ पर बंद कर देंगे इट मीन्स उसका मतलब है 1, यानी हाई यानी ऑन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्विच को ऑन रखा है, अभी दोनों को ऑफ रखा है यानी ओपन रखा हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस तरीके से, तो फ्लो तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो सर्किट ब्रेक है। तो इट मीन्स अगर हमने ए और बी दोनों को ही 0 रखा है तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट आते हैं, जब हमने ए को 0 रखा है, 0 मतलब ए को हमने ओपन रखा है, बी को हमने 1 1 मीन्स ये हमारा क्लोज है। जब ये हमारा सेकंड वाला स्विच क्लोज है तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो सर्किट तो यहीं पर ही ब्रेक है, इसके बाद तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। इट मीन्स इस कंडीशन में भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जब हमने ए को हमने क्लोज रखा है, ए को क्लोज मीन्स हमारा ये क्लोज है और ये हमारा ओपन ही है इस अगले नेक्स्ट कंडीशन में। तो यहाँ से हमारा चला करंट फ्लो करा, ये हमारा यहाँ पे क्लोज था तो करंट फ्लो किया आगे गया, लेकिन यहाँ तो सर्किट ब्रेक है तो इट मीन्स यहाँ करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगा, तो यहाँ बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये इट मीन्स यहाँ भी 0, मतलब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो मतलब 0, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। आगे चलते हैं, इस कंडीशन में हमने क्या किया है, दोनों ही स्विच को क्लोज कर दिया, यानी दोनों ही स्विच को बंद कर दिया है और यहाँ से हमने
करंट फ्लो कर दिया है, अब यहाँ से हमारा जब करंट फ्लो होगा तो वो आराम से जाएगा और अपना बल्ब ग्लो करेगा, मतलब करंट फ्लो कर पाएगा, करंट को पाथ मिल जाएगा, इट मीन्स बल्ब ग्लो करेगा, इट मीन्स आउटपुट इज़ वन हाई, यानी बल्ब ऑन हो रहा है, तो यानी सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। तो ये है इसका इक्विवेलेंट सर्किट। ओके,